देश में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट पर पहले से ही हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें ज्यादातर युवा होते हैं। और हाल ही में भारत में MotoGP इवेंट का भी आयोजन हुआ था, लेकिन क्या भारत के हेलमेट बैन की इसकी आलोचना कर रहे हैं? देखते हैं अंदर की बात में। हाल ही में खत्म हुए MotoGP भारत ग्रैंड प्रिक्स को देखने की तरफ, एक तरफ जहां लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सड़क सुरक्षा को लेकर काम करने वाले एक्टिविस्ट देश के युवाओं पर होने वाले इसके नकारात्मक असर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। इसके बावजूद स्पोर्ट्स बाइक ट्रैक पर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर रही है। MotoGP भारत की आलोचना करने वाले एक्टिविस्ट में देश में हेलमेट मैन के नाम से मशहूर राघवेंद्र कुमार भी शामिल है, जो कि तेज रफ्तार वाले इस रेस को युवाओं के लिए खतरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि MotoGP भारत का आयोजन 30 देशों में होता था, अब भारत को मिलकर इनकी संख्या 31 हो गई है। लेकिन उनका कहना है कि इससे आखिर हमें हासिल क्या हुआ, नाम या पैसा? देश में हो ये हाई स्पीड बाइक रेस देश और दुनिया में अधिकतर सड़क दुर्घटना की वजह बन सकती है। साल 2014 में राघवेंद्र ने सड़क दुर्घटना में अपने एक दोस्त को खो दिया। तब से लेकर अब तक वो एक फुल टाइम जॉब करने के साथ साथ रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट भी है। सेफ्टी के लिए लोगों को जागरूक करते हुए अब तक उनके द्वारा 56,000 हेलमेट बांटे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।